लखनऊ से बसपा की मेयर कैंडिडेट शाहीन बानो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाहीन मैम, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ टुडे पर। आज चूंकि ईद का त्यौहार है तो सबसे पहले ईद पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, सभी लोगों को ईद मुबारक हो। और हमारी तरफ से इंशाल्लाह ईद के मौके पे और रमज़ान के मौके पे हमें ये काम मिला है, माननीय मायावती जी ने हमको जो है सौंपा है जिम्मेदारी, तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, कोई कमी नहीं रखेंगे। अगर हम जनता ने मेरा साथ दिया तो हम सबका साथ देंगे इंशाल्लाह। ये चुनाव शाहीन बानो के लिए और बहुजन समाज पार्टी के लिए क्या मायने रखता है? जी, मायने तो बहुत ज़्यादा रखता है क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये, और इंशाल्लाह बखूबी निभाएंगे जिम्मेदारी ये हम, और जो भी काम अधूरा छोड़ा है बहन जी ने उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बहुजन समाज पार्टी के साथ एक वक्त तमाम दलित समुदाय के लोग थे, मुस्लिम समुदाय के लोग थे, लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि वोटर छुटकते चले गए। अब चुनौती है उन वोटर्स को अपने साथ करने की, कैसे कर पाएंगे? कोशिश करेंगे पूरी इंशाल्लाह। जितने वोटर इधर उधर हो गए हैं सब मेरे साथ आएंगे इंशाल्लाह। सबको मैसेज जा रहा है कि हम सिर्फ काम करने के लिए ही आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम जनता फेस कर रही है उसको इंशाल्लाह ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे और सारे वोटर्स को अपने साथ लाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे वोटर्स को साथ लाएंगे। लेकिन यहाँ पर नगर निकाय चुनाव, हम यूपी की बात करें तो बीजेपी का लंबे वक्त से कब्जा रहा है, ऐसे में क्या कुछ चुनौतियाँ आपके सामने हैं और बीजेपी के कैंडिडेट को या फिर दूसरे दलों के कैंडिडेट को कैसे चुनौती दे पाएंगे? जी, बीजेपी का लंबे वक्त से साथ रहा है लेकिन उन्होंने बहुत सी जगह पे काम नहीं किया है। जैसे पुराने लखनऊ में गड्ढे जैसे सड़कों पे थे, वैसे ही गड्ढे आज भी हैं। पानी का जल भराव जो सड़कों पे बारिश के बाद हो जाता है वो वैसे ही है। बीमारियां बच्चों में वैसे ही हो रही, डेंगू मलेरिया और बहुत सी छोटी छोटी बीमारियां हैं जो कि हो जाती है सबको, सबको परेशानी होती है। तो उसके लिए इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है। अब बारिश के बाद रोड भर जाती है, पब्लिक को भी परेशानी होती है, तो इन सब चीज़ों पे इंशाल्लाह काम होगा। और जो गंदा पानी बच्चों को और गरीब लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको गंदा पानी हमेशा से ही पीने को मिलता है, सीवर लाइन की सफाई भी नहीं होती है, वो सब सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। कचरा गाड़ी की जो शुरुआत की गई थी वो भी जो है वक्त वक्त पर नहीं जी वो नहीं पहुंचती है, वो कभी महीने में एक बार आ गई गाड़ी तो आ गई, वैसे तो इधर हमें लग रहा सालों से तो आई ही भी नहीं है। छोटे ठेले जो चलते थे कचरे के वो भी कभी कभी आते हैं, डेली वो भी नहीं आते। तो इंशाल्लाह अगर जनता ने हमारा साथ दिया तो हम ये सब काम प्रॉपर तरीके से करेंगे। और कभी ऐसा होता है कि कोई वर्कर नहीं अपने काम पे आता है तो उसके लिए ऑनलाइन चीज़ें दी जाएगी कि आप मैसेज करें या कॉल करें, जिससे कि सारे काम सबके पूरे हों, किसी को कोई परेशानी ना हो। मदेगंज और पुराना लखनऊ में आप काफ़ी फेमस हैं, लोग आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आप क्षेत्र में जब निकल रही हैं, चाहे पुराने लखनऊ में हो चाहे लखनऊ के दूसरे इलाकों में हो, क्या कुछ रिस्पांस लोगों से मिल रहा है? जी, रिस्पांस तो बहुत बहुत अच्छा आ रहा है, लोग संतुष्ट हैं हमसे, लोग कह भी रहे हैं कि हम पूरा साथ देंगे आपका, और जनता का साथ मिलेगा तो इंशाल्लाह कामयाबी तो मिलेगी ही। जनता का साथ मिलेगा तो कामयाबी मिलेगी। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर सरवर मलिक साहब यानी आपके हस्बैंड साहब जो हैं वो चुनाव लड़े थे उत्तरी विधानसभा सीट से, तब आप मैनेजमेंट का रोल अदा कर रही थी के ओहदे पर रही, अब जो है आप चुनाव लड़ रही हैं तो आपके हस्बैंड को यानी मलिक साहब का रोल क्या है? जी, जैसे मैंने उनका साथ दिया था, मैंने मैनेजमेंट देखा था, वैसे ही अब जो है वो मैनेजमेंट देख रहे हैं और मैं उनका, वो मेरा साथ दे रहे हैं और उनके टाइम पे मैंने उनका साथ दिया था, तो इंशाल्लाह हम लोग कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और दोनों का साथ होगा तो इंशाल्लाह सबकी जीत होगी। और साथ में जनता का भी साथ बहुत ज़रूरी है, तो बाकी सब साथ चलेंगे तो कामयाबी तो मिलेगी ही इंशाल्लाह। आखिर में चलते चलते विपक्षियों को और साथ ही साथ विपक्षियों को क्या आप मैसेज देंगी और वोटर से क्या कुछ अपील करना चाहेंगी? जी, विपक्षियों के लिए तो मैं ऐसा कोई मैसेज नहीं दूंगी क्योंकि जो है वो गलत मैसेज चला जाता है, कहते कुछ हैं और लोग समझते कुछ हैं। कोशिश यही रहेगी कि हमारा जो काम है वो हम बखूबी निभाएं और हमारी जो जिम्मेदारी है, जो हमको बहन जी ने जिम्मेदारी दी है, वो हम पूरी करें। और वोटर की बात है तो जो जनता का वोट है वो हम चाहेंगे हमें सारे वोट मिले, जिससे कि हम कामयाब हो जाएं और सबका काम, जो भी परेशानी जिसको भी है वो पूरा करने की कोशिश करें। हम सब
इंशाल्लाह सब साथ होंगे तो काम पूरा हो जाएगा सबका, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो मोहल्ला क्लिनिक की बात हो रही है, मोहल्ला में क्लिनिक जो नहीं है, फर्स्ट एड के लिए लोग परेशान हो जाते हैं, कभी गृहिणी को या बच्चों को कुछ हो जाता है तो वो लोग इधर उधर भागते हैं, तो मोहल्ला क्लिनिक पे हम ज़्यादा जोर देंगे जिससे कि आम जनता को परेशानी ना हो। ये काम मेरा मुद्दा मेन रहेगा। पिंक टॉयलेट की भी समस्या है, एक बहुत बड़ी समस्या है कि टॉयलेट्स तो खुल गए पिंक टॉयलेट्स, लेकिन उनमें काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, और बहुत सी जगह खुले हैं तो बंद भी पड़े हैं, वो यूज़ नहीं हो रहा, तो उसको भी हम जगह जगह मार्केट में, जैसे अमीनाबाद है, चौक है, इन सब इलाकों में बहुत ज़रूरी है, लोग मार्केट में होते हैं और टॉयलेट की ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो इधर उधर भटकते हैं, इस डर की वजह से वो लोग जल्दी मार्केट भी नहीं आते हैं, तो इंशाल्लाह उसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे और टॉयलेट खोलने की और ज़्यादा कोशिश करेंगे, जितने अगर कमी जो भी है, कहीं खुले हैं कहीं नहीं खुले हैं, जो खुले हैं वो बंद पड़े हैं उनको खुलवाने की कोशिश करेंगे। जो खासतौर पर देखा गया है कि पुराने लखनऊ में ट्रैफिक की जो समस्या है उससे लोग जूझते हुए नजर आते हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ एक्शन प्लान आपका होगा? बहुत जूझते हैं, जो पटरी की दुकानें हैं वो लोग बहुत परेशान होते हैं, उनको प्रॉपर जगह दी जाए जिससे कि वो दुकान खोल सकें, अपनी सही से ज़िंदगी जी सकें, ऐसे थोड़ी देर दुकान वो अपनी पटरी पे खोलते हैं और पुलिस वाले आते हैं तो उनके डर के मारे वो लोग अपना बटोर के सामान चले जाते हैं, बहुत डरते हैं वो लोग कि कहीं मार ना पड़ जाए, कहीं हमारा सामान ना लेके चले जाएं, तो इन सब परेशानियों से जो लोग जूझ रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ काम करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, उनको भी जगह प्रॉपर दी जाएगी ताकि वो अपनी भी रोज़ी रोटी आगे बढ़ा सके। तो क्या ये मानकर चला जाए कि 13 मई को जब नतीजे खुलकर सामने आएंगे तो शाहीन बानो बसपा की मेयर कैंडिडेट लखनऊ से मेयर होंगी? जी इंशाल्लाह बिल्कुल होंगी, और आप सबकी दुआ साथ रही तो ज़रूर होंगे, और जनता का पूरा साथ चाहिए हमें, जनता ने अगर साथ दिया तो ज़रूर मेयर बनेंगे इंशाल्लाह, पूरी कोशिश तो हम अपनी तरफ से अपनी जान लगा देंगे, इंशाल्लाह कोशिश हुई तो ज़रूर मिले मेयर बनेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। ये थी हमारे साथ शाहीन बानो बसपा की मेयर कैंडिडेट लखनऊ से, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि तमाम धर्म के लोगों को, तमाम लोगों को अपने साथ लेकर चल रही हैं, और अपील वोटर से ये है कि शाहीन बानो को एक बार मौका देकर देखें और वो लखनऊ के मेयर पद की कुर्सी कैसे संभालती है, लोगों की समस्याओं को निजात दिलाने के लिए हर तरीके से कोशिश करती नजर आएंगी। कैमरा सहयोगी यश प्रताप यादव के साथ मैं रामकृष्ण शुक्ला, ए न्यूज़ टुडे लखनऊ।